ये मूवी मेन कैरेक्टर एवा के गिर्द घूमती है। पहले सीन में हम देखते हैं कि एवा एक इंग्लिश बिजनेसमैन को पिक करने जा रही होती है। एयरपोर्ट पहुंचकर वह हैमिल्टन को गाड़ी में बिठाती है। रास्ते में एवा हैमिल्टन के साथ ड्रिंक शेयर करने के बहाने गाड़ी साइड पर लगाती है और बैक सीट पर हैमिल्टन के साथ आकर बैठती है। वह हैमिल्टन से पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है जो उसे कोई मरा हुआ देखना चाहता है। उधर हैमिल्टन एवा से झूठ बोलकर उसे डिस्ट्रैक्ट समझकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एवा उसे गोली मार देती है। एवा मिशन कंप्लीट होने की खबर अपने सुपरवाइजर और मेंटर ड्यूक को देती है और साथ ही बताती है कि वो कुछ वक्त के लिए बॉस्टन जा रही है। बहरहाल एवा बॉस्टन पहुंचती है और एक होटल में स्टे करती है। वहां उसे एक बॉक्स डिलीवर होता है जिसके खुलने पर कुछ कैश, गन और पासपोर्ट देखा जा सकता है। उधर एवा अपनी बहन जूडी से मिलने बाहर जाती है, जहां जूडी एज अ सिंगर काम करती है। एवा उसके साथ जूडी के घर तक वॉक करने की ऑफर करती है। जूडी और एवा वॉक कर रही होती है और उसके दौरान कुछ फैक्ट सामने आते हैं। एक ये कि जूडी अब एवा के एक्स बॉयफ्रेंड माइकल को डेट कर रही है। दूसरी ये कि उन दोनों की मदर हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल है। तीसरी ये कि एवा 8 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी। एवा बॉस्टन से निकलकर मिशन पर सऊदी अरेबिया पहुंचती है। वहां वो पार्टी के जर्मन जनरल और उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ चलती दिखती है। जब सबऑर्डिनेट्स जनरल और एवा को अकेला छोड़कर जाने लगते हैं, तब एवा जनरल का गला काट देती है और डैगर फेंक कर और दूसरे को शूट करके मार देती है। वहां और सोल्जर्स आने लगते हैं जिनसे एवा ब्रूटल किस्म की लड़ाई करती है। अब एवा जनरल का खून लगाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो जख्मी है। एक सोल्जर उसको सहारा दिए लॉबी में लेकर जा रहा होता है तो एवा उसकी वेस्ट से 2 ग्रेनेड्स निकाल लेती है और एवा फ्लैश ग्रेनेड वहां फेंक कर बाहर निकलती है। एवा उनको भी मार कर अपने ड्रेस से सर कवर करके छुपकर वहां से निकल जाती है। सीन्स चेंज होते हैं और एवा ड्यूक से मिलने सी कोस्ट पर जाती है। ड्यूक उसको कहता है कि सऊदी अरेबिया में होने वाले मिसहैप उसकी गलती नहीं बल्कि मैनेजमेंट की गलती है। ड्यूक उसको कुछ अरसे ब्रेक पर भेज देता है। एवा बॉस्टन में रहना शुरू कर देती है। एवा हॉस्टल से जॉगिंग करते हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां जूडी और माइकल से मिलती है। उनकी मदर उन तीनों को डिनर पर जाने के लिए फोर्स करती है, जिस पर वो मान जाती है। उधर ड्यूक ब्रिटिश कोलंबिया में अपने सुपीरियर साइमन से मिलने उसके घर जाता है। वहां साइमन की बड़ी बेटी कैमिल भी होती है। साइमन ड्यूक को बताता है कि एवा फिर से अपने सब्जेक्ट से बातें करती है। ड्यूक इनकार करता है। साइमन एवा को अब असैसिन रहने के कैपेबल नहीं समझता और उसको रास्ते से हटाने का कहता है, लेकिन ड्यूक उसको कन्विंस करता है कि एवा ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट असैसिन है। उसको कन्विंस समझकर ड्यूक वहां से चला जाता है। साइमन कैमिल को कहता है कि वो एलन को कॉल करे और एवा का चैप्टर क्लोज कर दे। बॉस्टन में एवा जॉग करने के लिए निकलती है और उसको एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागने लगती है कि एलन उसके पीछे आता है और इन दोनों की लड़ाई होती है। डैगर एलन की गर्दन में घुसाकर उसको मार देती है। एवा अगली सुबह ड्यूक से मिलती है और उसे अपने ऊपर अटैक का जिम्मेदार ठहराती है। ड्यूक उसको तसली देता है और बताता है कि एलन एक फ्रेंच फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था और एक एडिक्ट था। उसने सिर्फ पैसों के लिए एवा पर अटैक किया है। एवा ड्यूक पर भरोसा करती है और वहां से चली जाती है। रात को एवा जूडी और माइकल के साथ डिनर करने जाती है। डिनर पर जूडी सारा वक्त गुस्सा करती रहती है और फिर उठकर चली जाती है। उसी रात जूडी एवा के होटल रूम में आती है और बताती है कि माइकल सारी रात घर नहीं आया और उसने फिर से गैम्बलिंग शुरू कर दी है। एवा टोनी के गैम्बलिंग डेन पहुंचती है और माइकल को छोड़ने का कहती है, लेकिन टोनी ऐसा नहीं करती बल्कि अपने बॉडीगार्ड्स को एवा पर हमला करने का कहती है। एवा सब बॉडीगार्ड्स को गिरा देती है और माइकल को लेकर वहां से चली जाती है। वहां से निकलकर माइकल उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है और पूछता है कि उसने लड़ना कहां से सीखा है, लेकिन एवा उसको कोई जवाब नहीं देती। एवा वहां से आंसू बहाती चली जाती है। उधर ड्यूक साइमन के घर पहुंचता है और बताता है कि उसे पता है कि सऊदी अरब में होने वाला मिसाब असल में मिसाब नहीं बल्कि साइमन के ऑर्डर्स पर एवा को कत्ल करने की कोशिश थी, और ये भी कि साइमन ने बॉस्टन में भी एलन को एवा को मारने को ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन एवा दोनों से बचकर निकल गई। साइमन की छोटी बेटी वहां आती है और साइमन अपने बॉडीगार्ड को उसको वहां से लेकर जाने का कहता है। उसके जाते ही ड्यूक और साइमन में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें साइमन के बॉडीगार्ड्स भी शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यूक उनको शूट कर देता है। साइमन ड्यूक पर दोबारा अटैक करता है।
ड्यूक और साइमन की लड़ाई में साइमन हावी हो जाता है और ड्यूक को बार बार स्टैब करके मार देता है। उधर एवा अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल में बैठी कार्ड्स खेल रही होती है, जब उसकी मदर बताती है कि उसे पता है कि 10 साल पहले उसके फादर ने क्या किया था, लेकिन वो अकेले रह जाने से डरती थी, इसलिए उसने उसके फादर का यकीन कर लिया। ये भी बताती है कि वो एवा पर बहुत प्राउड फील करती है, क्योंकि वो जानती है कि एवा कभी वो नहीं करेगी जो उसकी माँ ने किया। ब्रिटिश कोलंबिया में साइमन खून में लदे ड्यूक को पानी में फेंकने की वीडियो बनाता है और एवा को कॉल करके बताता है कि उसने एवा की वजह से ड्यूक को मार दिया है, साथ ही वो वीडियो भी भेजता है। एवा वापस अपने होटल में आकर शराब पीती है और ड्रंक हो जाती है। वो अपने आप को गले पर गन रखकर मारने लगती है कि साइमन उसको मारने आ जाता है। उन दोनों में लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को शदीद जख्मी करते हैं। साइमन एवा को बहुत मारता है, लेकिन एवा ड्रंक होते हुए भी हार नहीं मानती। दोनों लड़ लड़ कर गिरे होते हैं कि फायर अलार्म बजता है। एवा साइमन के पीछे भागती है। साइमन उसको देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एवा उसकी टांग पर शूट करती है। करीब आकर उसके सर के बीच में गोली मारती है। एवा फिर जूडी के अपार्टमेंट जाती है, उसे एक ऑफशोर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देती है और मदर को अपने साथ मुझ से चले जाने का कहती है। एवा अपार्टमेंट से निकल कर जा रही होती है और हम कैमिल को उसका पीछा करते देखते हैं।